धर्म में जब हो कुशलता, चित्त में समदर्शिता, बुद्धि में स्थित प्रज्ञता, पार्थ यही योग है, पार्थ यही श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद् गीता अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया, त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि च व्ययम्। एवमेतद्यथार्थत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप महेश्वरं पुरुषोत्तमं। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टमिति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच, पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथ सहस्रशः, नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा, बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं, मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। कर्म मे भो कुशलता, पार्थ यही योग है। गीता का 11वां अध्याय है विश्वरूप दर्शन योग। दिव्यम ददामि ते चक्षुः। श्री कृष्ण ने अपने विश्वरूप के दर्शन कराने के लिए अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए। इसी प्रकार हमें भी अपने पर्यावरण की वास्तविकता जानने के लिए एक नई दृष्टि की आवश्यकता है। हमारे चारों ओर व्याप्त प्रदूषण को रोकने के लिए हमें जागरूक और सचेत होने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं प्रदूषण निवारण पर आधारित कुछ आंकड़े हमारे कार्यक्रम खेल खेल में बदलो दुनिया से। प्रदूषित वायु से तो सभी परेशान हैं। आजकल श्वास रोग या अस्थमा बड़ी तेजी से फैल रहा है, खासकर बच्चों में। और सब जानते हैं कि इसका मुख्य कारण है प्रदूषण। दिल्ली शहर में जब ये प्रदूषण हद से ज्यादा बढ़ गया, तब यहाँ एक प्रयोग हुआ। डीजल से चलने वाले बसों और ऑटो रिक्शा में सीएनजी के इंजन लगवाए गए। इससे दिल्ली के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में काफी गिरावट आई। दिसंबर सन 2002 में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 3000 ppm थी। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख में एक। इसके मुकाबले 2003 के दिसंबर में वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 2500 ppm हो गई। यानी सीएनजी के इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में 20% की गिरावट आई है, पर दिल्ली अभी दूर है। जी हाँ साथियों, इस प्रदूषण को फैलाया भी हमने और दूर भी हमें ही करना है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी जहमत और हमारा काम हो जाएगा आसान। और इसी को पीसीआरए कहता है कर्म कुशलता। आगे होगी आपके पत्रों की बात, किंतु पहले अल्प विराम। ये तो सभी जानते हैं कि कहाँ लाइट चाहिए और कहाँ नहीं, पर क्या ये जानते हैं कि लाइट सिर्फ उतनी इस्तेमाल करनी चाहिए जितनी की जरूरत हो। भाई मैं तो एक एक्टर हूँ, लेकिन मैं भी इतना जानता हूँ कि अगर लाइट सही होगी तो सीन भी खूब जमेगा।
आप भी जमा लीजिए अपने घर का सीन, उतनी ही लाइट इस्तेमाल कीजिए जितने की जरूरत हो। अरे भाई साहब, अरे क्या कर रहे हैं आप, अरे वो लाइट बंद कीजिए ना। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अब समय है आपके पत्रों को शामिल करने का। ये पहला पत्र हमें भेजा है देवेंद्र सिंह ने अजमेर से रेडियो प्रोग्राम बूंद बूंद की बात के लिए। ये लिखते हैं कि घटता जल स्तर और लोगों में जागरूकता की भारी कमी आज चिंता के विषय है। जी हाँ देवेंद्र जी, ये चिंता के विषय तो है लेकिन इनके लिए कदम भी हमें ही उठाने होंगे। साथ ही पत्र लिखा है छत्तीसगढ़ से सुखनंदन राठौर जी ने। ये लिखते हैं कि मुझे ये बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आपके द्वारा बताए गए तरीकों से पर्यावरण तो सुरक्षित रहता ही है, साथ में धन की भी बचत होती है। इसके लिए ये PCRA को धन्यवाद भी देते हैं। सुखनंदन जी, ये तो PCRA का कर्तव्य ही है, साथ ही साथ ध्येय भी है कि संरक्षण के बारे में आपको जानकारियां दे। तो आइए ऐसी एक जानकारी और आपको आज देते हैं। साथियों, अगर आपका ऑटोमोबाइल निर्माण से जुड़ा कारखाना है तो इस जानकारी को ध्यान से सुने। आप अपने कारखाने में काफी मात्रा में प्रयुक्त होने वाली कंप्रेस्ड एयर का दुरुपयोग बिल्कुल न होने दें, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर की बर्बादी का अर्थ है ऊर्जा की बर्बादी। इसका प्रयोग हमेशा जरूरी जगहों पर सावधानी पूर्वक करें। साथ ही अंदर आ रही इनटेक एयर का तापमान कम हो, इसका भी ध्यान रखिए। यदि इनटेक एयर का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो ऊर्जा की खपत भी 1% तक बढ़ जाती है। इसीलिए इंडस्ट्रियल कंप्रेसर में एयर कूलिंग के लिए इंटरकूलर्स लगाए जाते हैं ताकि हवा का तापमान कम किया जा सके। तो साथियों, इसीलिए इनटेक एयर कूलर की मेंटेनेंस और इनटेक एयर के तापमान पर भी जरूर ध्यान दें। साथ ही हमें पत्र लिखना ना भूलें। जरूर लिखें हमें पत्र। हमारा पता है संरक्षण योग, PCRA 10 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066, भारत। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। कंट्री कोड है 91 और नंबर है 9811771717। हमारा ईमेल आईडी है sy@pcra.org। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.pcra.org पर संपर्क करें। चलता पार्थ यही।